आज दलगत राजनीति का दिन नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि सिंबॉलिक जो सांकेतिक चीजों को लेकर दलगत राजनीति करते हैं, जिन्होंने कहा कि हमने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बना दी, या पहले दलित पहले तो नहीं दूसरे दलित राष्ट्रपति बना दिए, उस कार्यकाल के दौरान समाज के लोगों का क्या हुआ, ये सवाल जरूर पूछते बनता है। जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर से राजनीतिक फायदा उठाया, उन्होंने किसके हक की लड़ाई लड़ी और उनको क्या हक दिलाए, ये जरूर पूछना बनता है, क्योंकि वोट की राजनीति करना एक बात है और जो हक और सपने टूटते हैं उनको जोड़ना दूसरी बात है। आज उनका महानुभाव का दिन है तो बहुत ज्यादा राजनीति की बात नहीं करनी है, लेकिन उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका जो एक सपना था आजाद भारत का तो बिल्कुल था, लेकिन ऐसे भारत का भी था जिसमें सबकी बराबरी हो, जिसमें सबका हक हो, जिसमें सबका सबकी संवेदना हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।